बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं आलू कीमा। और आलू कीमा के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं वो है कीमा। कीमा मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो मैंने कीमा लिया है, और ये गाय का कीमा है। और साथ में मैंने लिया है आलू, दो आलू लिए हैं मैंने दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। और एक मैंने छोटी प्याज ली है, उसको भी मैंने चॉप करके रख लिया है। और एक चम्मच मैंने लहसुन का लिया है, एक टेबल स्पून लहसुन पेस्ट है और एक टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है। और दो हरी मिर्चें मैंने ली हैं, उनको भी मैंने इस तरह से काट के रख लिया है। और यहाँ पर मैंने गरम मसालों में जो चीज़ें ली हैं वो ज़ीरा है, एक टेबल स्पून ज़ीरा लिया है मैंने, एक तेज़पत्ता लिया है और तीन दालचीनी के टुकड़े हैं, और एक मैंने काली बड़ी इलायची ली है। और साथ में एक टीस्पून नमक है, एक टीस्पून लाल मिर्चें हैं और एक टीस्पून काली मिर्चें साबुत हैं, और हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला है। और साथ में मैंने तकरीबन एक प्याली जो है दही लिया है, और तकरीबन आधा कप मैं इसमें ऑयल डालूंगी। अब एक कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल डाल के उसको गरम कर लिया। अब इसमें मैं प्याज शामिल करूंगी। जैसे प्याज का कलर चेंज होगा तो इसके अंदर हम सारे गरम मसाले जो साबुत थे वो मैं डाल दूंगी, और उसके थोड़ी देर बाद ही मैं कीमा डाल के, लहसुन डाल के, अदरक लहसुन डाल के उसको मैं अच्छे से भूनूंगी। प्याज का कलर चेंज हो गया, अब मैं इसमें गरम मसाले शामिल कर दूंगी, ज़ीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी और ये काली बड़ी इलायची और साबुत काली मिर्चें। बस इनको कुछ सेकंड पका के इसमें मैं साथ ही कीमा शामिल कर दूंगी। मैं इसके अंदर कीमा शामिल कर दूंगी। और अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे कीमे को, ताकि कीमे की स्मेल ख़त्म हो जाए बिल्कुल। भूनते हुए हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं बाकी मसाले और हरी मिर्चें और दही शामिल कर दूंगी। लाल मिर्चे, हल्दी, गरम मसाला और हरी मिर्चे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको हल्की आंच पर रख दूंगी, तकरीबन 15 मिनट पकाऊंगी इसको मैं। और दही अपना पानी छोड़ देगा, उसी में कीमा पक जाएगा, एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने चूल्हे की जो आंच है वो बिल्कुल धीमी रखनी है, तेज़ रखेंगे तो फिर वो जल जाएगा। अब बस बिल्कुल स्लो फ्लेम करके इसको हम 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। आलू शामिल करके हम इसको 3-4 मिनट फ्राई करेंगे, और उसके बाद इसको फिर हम हल्की आंच पे ढक के रख देंगे। मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं शामिल कर रही हूँ, जो दही ने अपना पानी छोड़ा था बस उसी में ही सारा कीमा पक रहा है। और अब इसको बिल्कुल मैं दम वाली आंच कर दूंगी, ताकि आलू उसी में ही गल जाएँ। छोटे आलू कटे हुए हैं, जल्दी ये हो जाते हैं एक्स्ट्रा, इसलिए पानी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप बड़े आलू काट के डाल रहे हैं तो फिर आप थोड़े उसमें पानी शामिल कर लेगा, हाफ कप जितना, और फिर उसको हल्की आंच पर करके जिस तरह हम दम पे रखते हैं उस तरह से आप करके रख दें। तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, और अब मैं इसके अंदर धनिया डाल दूंगी काट के। आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं,
अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे करके रख देंगे दम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। उतने में ही हमारे आलू गल जाएंगे क्योंकि ये छोटे छोटे कटे हुए हैं, बड़े बड़े तो हैं नहीं कि जिसके लिए पानी डालना पड़े, ये दम में ही आराम से हो जाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं और आलू भी हमारे बिल्कुल गल गए हैं और कीमा हमारा हो गया है, बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारा आलू कीमा रेडी है और ये आप रेसिपी लाजमी ट्राई करें, आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। और मुझे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।